हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले टिकटॉक के वायरल वीडियो के लिए। तो जैसा दोस्तों को पता है, टिकटॉक पे गणेश भाई का वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। पहले कैसा था और अब कैसा है और फिर के साथ क्या हुआ था पहले, इसका मैं कुछ स्टोरी बताने वाला हूँ। जो पागल जो हो गया था, तो कैसे हुआ था पागल। इससे दोस्तों इस भाई का नाम जो है, रियल नेम जो है गणेश नाम है। दोस्तों ये यूपी के रहने वाला है। मैं आपको पहले वीडियो को क्लिप दे दिखा देता हूँ कि यूपी के कहाँ के रहने वाला है। आपको बता दूं, मैंने यहाँ सबसे पूछा और इनसे भी मैंने बहुत देर बात की। इनका रियल नेम शंकर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि भाई यूपी में कहाँ के रहने वाला है। हिल भाई ने इस भाई को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था और इस गणेश भाई को जो बनाया था और इस वीडियो को टिकटॉक पे अपलोड किया था और वीडियो जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था। वायरल होने के बाद इस भाई को एक लड़का और एक लड़की दोनों ने मिलकर इसे NGO ले गया था। NGO में जाने के बाद इलाज हुआ था। इलाज होने के बाद इसे देख सकते हैं आप, सैलून पे भी ले गया था, खाना भी खिलाया गया। दो भाई ने इसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। और इसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, जब उसे NGO में आपको छोड़ दिया गया गणेश भाई को, तो वहाँ पे NGO वाले भी यहाँ पे इग्नोर कर रहा था क्योंकि इस भाई को दोनों भाई का कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। लेकिन अब तो मैं भी वीडियो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। हेलो गाइस, मैं आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने उन्हें ढूंढा है और वीडियो बनाकर आप लोग तक पहुँचाया, जिससे उनके फैमिली वाले आज मिल पाए हैं। उनके फैमिली वाले पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास, पर NGO वाला हमारा कोई कॉल नहीं उठा रहे हैं, हमारा कॉल कट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनकी कोई भी वीडियो दिखती है तो उस पर कमेंट करें और जल्दी से जल्दी हम बोले उनसे कि वो हमसे कॉन्टैक्ट करें। तो ये सारा प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। NGO वाले भी दोनों भाई बहन का कॉल रिसीव कर रहा है और बातचीत भी हो गया। और इसके बाद जो गणेश भाई का फैमिली है, इसी तरह से उसे पता चल गया है ये जो है इन दोनों भाई के साथ इस गणेश भाई को फैमिली आकर मिला। ये भी वीडियो आपको मैं दिखा देता हूँ। हे गाइस, आई एम वानी जबलपुरिया और आपके लिए गुड न्यूज़ है, उनकी फैमिली वाले आ गए हैं और अब बहुत जल्द हम उनसे मिल पाएंगे। हमने NGO वालों से बात कर ली है, तो कुछ कार्रवाई हमें करनी है, फिर हम उनसे मिल पाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपने ये भी वीडियो देख लिया, तो इसमें दोस्तों आपको पता है इस तरह से व्यक्ति जो पागल था वो अपने घर पे पहुंच पाया है, वो भी टिकटॉक की मदद से। शायद ये टिकटॉक नहीं होता तो ये व्यक्ति है अपने घर पे नहीं पहुँच पाता। इसके बाद ये जो व्यक्ति जब देख सकते हो किस तरह से पहले जो था किस तरह से है, अब जो है किस तरह से काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो चुका है। यार आप लोगों से ही दुआ करूँगा, किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा दिखता है तो आप जरूर हेल्प करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप यदि किसी व्यक्ति को हेल्प करते हैं तो आपको भी कोई ना कोई व्यक्ति जरूर हेल्प करेगा। क्योंकि कुछ इसको बीमारी है जो इस पर इलाज चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर चल रहा है, तो बहुत ही जल्द इन भाइयों को सही हो जाएगा। तो ये रियल है कि किसी लड़की से प्यार करता था, वो लड़की ने इसे धोखा दे दिया, इसलिए ऐसा हो गया। प्लीज़ यार आप लोगों सिर्फ काम पे ध्यान दो, लड़की के चक्कर में मत पड़ो। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे जीवन का ट्रेंड मिलता रहता है टिकटॉक के रिलेटेड। और दोस्तों आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं और वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो का ट्यूटोरियल दे देने का। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही।